15 नवंबर की बात की जाए तो झारखंड के लिए महज एक तारीख नहीं बल्कि ऐतिहासिक और गौरवान्वित होने वाला दिन है। दरअसल 15 नवंबर को इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। वहीं भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के दिन ही झारखंड राज्य का गठन किया गया, इसलिए पूरा देश 15 नवंबर के दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है। हालांकि इस बार प्रदेश में देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी। एक तरफ राष्ट्रपति के आगमन को लेकर भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली और अन्य कार्यक्रमों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा के वंशज उनके पोते सुखराम मुंडा का परिवार बदहाली में जीने को मजबूर है। लाखों रुपए खर्च कर तैयार किया गया भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली और उनके स्मारक स्थल के महज कुछ दूरी पर एस्बेस्टर से बने कच्चे मकान में रहने को भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मजबूर हैं। परिवार जंगल से लकड़ी चुनकर तो कहीं दूर से पानी लाकर दो वक्त का खाना बनाने को मजबूर है। घर में एक सरकारी नल तो लगा है लेकिन उसमें पानी नहीं आता है। पूछने पर भगवान बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा बताते हैं कि कई महीनों से नल खराब पड़ा हुआ है। राष्ट्रपति आ रही है, वो जानकारी है और यहाँ उनके जन्म स्थल पर उनके आगमन के लिए तरह तरह का रंग रोगन चल रहा है, वो तैयारी हो गया है। उसके आगमन पर आस पास लाइट का भी व्यवस्था हो रहा है, पानी का व्यवस्था हो गया। लेकिन कैसा लग रहा है कि आपके जो दादा थे उनके सम्मान में आज राष्ट्रपति आ रहे हैं आपके गांव में? हमको खुशी लग रहा है, कहे कि हमारे दादाजी के सम्मान में राष्ट्रपति महोदय आ रही है, खुशी का बात है। अच्छा, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर झारखंड राज्य का गठन हुआ, गौरवान्वित महसूस होता है हर 15 नवंबर के दिन पर? बिरसा मुंडा के जन्म दिन पर झारखंड का भी स्थापना हुआ, कहे कि बिरसा मुंडा सारे देश में मनाया जाता है, इसीलिए सारे देश के लोग मानते हैं और झारखंड अलग होने पर उनके जन्मदिन पर ही उनके जन्मदिन पर झारखंड का गठन हुआ था। झारखंड का उनके जन्मदिन पर ही गठन हुआ, इसलिए बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा बाबा, भगवान बिरसा मुंडा के आप वंशज को ही आज दरकिनार कर दी, ऐसा महसूस होता है कि सरकार आप लोग के साथ छलावा कर रही है, आपके नाम का उपयोग कर रही है? ऐसे तो बुझाता है कि सरकार बिरसा के नाम पर राजनीति करते छल कपट के रूप में और परिवार चाहे गांव के लिए सोच कम है। सोच कम है, कम तो राष्ट्रपति से इसकी शिकायत करेंगे? राष्ट्रपति से शिकायत करेंगे, लगता है कि राष्ट्रपति आपकी बात सुनेंगी? राष्ट्रपति के आने के बाद गांव की और आपके परिवार की तस्वीर बदलेगी? पता नहीं, वो तो बदलेगी या नहीं बदलेगी, मानेगी या नहीं मानेगी, वो तो भविष्य की बात है, गंभीर की बात है, वो तो कैसे बोलेंगे, बदलेगी या नहीं बदलेगी, सरकार मानेगी। अच्छा, राष्ट्रपति से क्या क्या मांग रखिएगा? हम तो जब बोल दिए वही गांव का समस्या परिवार का समस्या वही बोलेंगे। जब राज्यपाल बनी थी उस समय भी यहाँ आई थी और उनसे मुलाकात तो कई बार हुआ है और उनसे अवगत भी किए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, जो आश्वासन दिए वो भी नहीं हुआ। झारखंड राज्य और भी केंद्रीय सरकार से घर का राहत नहीं मिल रहा है, जो सबको सरकार ने शहीद ग्राम विकास के द्वारा सबको पक्का मकान बनाया जा रहा है, उसमें मुझको बनाने का जगह अभाव के कारण अभी तक नहीं बना पाए हैं। अच्छा, झारखंड सरकार से क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप? झारखंड सरकार से यही हमारा मांग है, विशेष करके बिरसा मुंडा जब उतना मानते हैं, उनके नाम पर राज्य का गठन हुआ, हवाई अड्डा बना, बहुत बड़ा और उसके
परिवार के लिए रहने का सोच नहीं हो रहा है, इसलिए सरकार की ओर से उनके परिवार को घर बनाया जाए। घर की मांग कर रहे हैं। अच्छा, घर के लोगों को सरकारी नौकरी मिला और हमारे बहुत बच्चों को शिक्षा के लिए व्यवस्था की जाए, पदक मिले और दो जन को चतुर्थ वर्गीय का नौकरी दिया गया है। चतुर्थ वर्गीय नौकरी में उतना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए बच्चों को शिक्षा का उचित व्यवस्था की जाए। बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा कहते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर केवल राजनीति होती है। आज भी हमारे उलेहातू गांव में पेयजल की समस्या है। यहाँ के स्कूल में बेहतर पढ़ाई तक नहीं होती है। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने से बिरसा के वंशजों में उम्मीद की किरण जगी है। अब शायद उनके दिन बदलेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिरसा के वंशजों और उलेहातू गांव की तस्वीर और तकदीर कितनी बदलती है। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।